गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो रहने वाला है जो अपकमिंग आईपीओ आ रहा है विंडलास बायोटेक का। हाँ जी फ्रेंड्स, फार्मास्यूटिकल कंपनी का ये आईपीओ आने वाला है 4 अगस्त को, जिसके बारे में आज हम आपके साथ छोटा सा वीडियो रहेगा, लेकिन जरूरी इन्फॉर्मेशन आपके साथ इस वीडियो में हम शेयर कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो विंडलास बायोटेक के बारे में हम बात करते हैं, तो 2001 से कंपनी का ऑपरेशन स्टार्ट है, जो वेरियस सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जो मेन काम है इस कंपनी का वो है कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे कि थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। जैसे काफी कंपनीज होती है, बड़ी बड़ी कंपनीज, मार्केटिंग कंपनीज, वो क्या है अपनी ब्रांड्स ऐसे ही जैसे विंडलास बायोटेक जैसी कंपनी को थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग के लिए देती है। तो बेसिकली विंडलास बायोटेक का काम यही है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करना, और साथ में ही कंपनी का जो खुद का भी ओन ब्रांड है उसका भी जेनेरिक प्रोडक्ट्स का वो मार्केटिंग करते हैं। साथ में ही उनका खुद का एक ओटीसी मार्केट के लिए भी उनके पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, जिसके थ्रू वो बिजनेस करते हैं। अब मेन जो लीडिंग फार्मा कंपनीज है, जैसे कि फाइजर, सैनोफी, कैडिला, एमक्योर जैसी कंपनीज है, वो उसके कस्टमर है। तो इतने बड़े कस्टमर होने की वजह से हम उसका जो ऑर्डर बुक है वो सस्टेनेबल रहने वाला है आने वाले टाइम में भी। और जो कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है वो देहरादून में अभी हाल में है, जिसमें ऑपरेटिंग कैपेसिटी है 7063 मिलियन टैबलेट्स पर कैप्सूल पर एनम, 54 मिलियन सैचेट और 61 मिलियन लिक्विड बोटल। सो काफ़ी बड़ी मात्रा में कंपनी का प्लान है और बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है विंडलास बायोटेक का। अब देखते हैं, अब ये ऑब्जेक्ट क्या है विंडलास बायोटेक का, जो इश्यू आ रहा है उसका जो मेन ऑब्जेक्ट है लाने का, उसमें जो एक्सपांशन है कंपनी का वो करना है, और जो रिक्वायर्ड कैपेसिटी है वो भी उसको एक्सटेंड करनी है कंपनी को। जो देहरादून वाला जो प्लांट है उसमें जो कैपेसिटी उसको एक्सटेंड करना है। बाकी वर्किंग कैपिटल के लिए भी कंपनी ये इश्यू ला रही है, और जनरल कॉरपोरेट पर्पस के लिए भी ये जो इश्यू आएगा उसके जो फंड होगा वो जनरल कॉरपोरेट पर्पस के लिए भी यूज़ होने वाला है कंपनी का। जब कंपनी के हम फाइनेंशियल्स देखते हैं तो हमें जो टोटल रेवेन्यू है कंपनी का वो ईयर टू ईयर स्टेग्नेंट देखने को मिल रहा है, जिसमें हमें कोई ज़्यादा अप ट्रेंड देखने को नहीं मिल रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी देखते हैं तो उसमें फ्लक्चुएशन बहुत देखने को मिल रहा है, जहाँ पे 18 के अंदर कंपनी ने 111 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया था, 19 में वो बढ़ के हो गया 638 करोड़ का, और मार्च 20 में देखते हैं तो 162 करोड़ का। तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हमें उसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हम कहेंगे फ्रेंड्स आपके साथ, तो वो एवरेज या बिलो एवरेज ही हम यहाँ पे मान सकते हैं। अब ये जो कंपनी का जो आईपीओ आने वाला है वो 4 अगस्त को ओपन होने वाला है, जो 6 अगस्त को उसका क्लोजिंग डेट रहेगा। 448 to 460 पर इक्विटी शेयर का आईपीओ का प्राइस बैंड फिक्स किया गया है, 30 शेयर का आपको लोट मिलेगा। 11 अगस्त को इसका अलॉटमेंट रखा गया है, और एक्सपेक्टेड जो लिस्टिंग है वो 17 अगस्त को इसकी रहने वाली है। मिनिमम 1 लोट और मैक्सिमम 14 लोट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। प्री इश्यू शेयर होल्डिंग है जो प्रमोटर के पास वो 78% है, और ये आईपीओ आने के बाद प्रमोटर के पास 65% के शेयर्स उनके पास रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था विंडलास बायोटेक का आईपीओ, उसके साथ जुड़ी हुई सारी डिटेल्स। जब कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हो तो हमें बिलो एवरेज देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जिस तरह का लिस्टिंग गेन अभी आईपीओ के अंदर देखा जा रहा है, तो आप जरूर इस आईपीओ के लिए अप्लाई करिए। जितने भी आपके घर में डीमैट अकाउंट है उसमें एक लोट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं लिस्टिंग गेंस के लिए। लॉन्ग टर्म होल्ड करने के लिए हम आपको इस शेयर में अभी सलाह नहीं देंगे। बाकी और भी आपके कोई क्वेरी है मार्केट के रिलेटेड तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत ज़रूरी है आपके लिए सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।